लेट्स गो। आ जाओ ना ऊपर ही बैठो। लाला जी की धोती में दिल तो बच्चा है जी। ये दो अलग अलग तरह के परौंठे क्यों हैं? एक मसाला वाला बन गया ना। ओके, 10 बज चुके हैं। वाह भैया, इसे कहते हैं मौसम। गाना ना मौसम के जादू है मितवा, सेम वैसे फीलिंग आ रही है। क्या नजारा लग रहा है। यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे हैं सुबह सुबह तितर बितर करके, और सब लाइन में खड़े हैं खाना खाने के लिए। तुम लोग ये खाओगे, गाय का खाना खाओगे तुम लोग? ये देखना, इसको देखना कैसा लग रहा है। तुम कितने समझदारी से लगे पड़े लाइन में खड़े हो गए खाना खाने। ये दो अलग अलग तरह के परौंठे क्यों हैं? एक मसाला वाला बन गया ना। मैं तो नहा धो के रेडी हो गया भाई, पर जाना कहाँ है क्योंकि बारिश पड़ी, कहीं जा ही नहीं सकते। तो प्लान अभी ये शायद यहीं बैठने वाले और कूज नहीं करने वाले, कूज नहीं। तो देखते हैं बारी लोग क्या कर रहे हैं। क्या है ये? बहुत अच्छा मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा खट्टा होता है। साफ है? हाँ। How to eat? Just bite, bite into it. Nice. A few moments later. तो जी finally अभी घूमने का प्लान बना है कि बाहर जाके थोड़ा सा घूम के आते हैं, थोड़ा कुछ खा के आते हैं, घर में कितनी देर बैठेंगे पक ही जाएंगे। So let's go and explore बाहर का एरिया, बाहर क्या क्या हो रहा है। आज के बाद आप रेस्टोरेंट नहीं ढूंढोगे कभी भी। डन डन। इसको ट्रस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, इनको ट्रस्ट का ट्रस्टी भी नहीं बनाएंगे। 100 मीटर पे लेफ्ट। A few moments later. तो गाइस हम लोग अंग्रेजी ढाबा आए नासिक में खाना खाने के लिए, बिकॉज पूनम का बर्थडे बना रहे हम लोग। तेरे तो बर्थडे। थैंक यू। ये कितना अच्छा लग रहा है। मेरे ब्लॉग पे इतनी शरीफत से बहुत कम लोग बोलते हैं ना। क्या खाने वाले हैं? हाय, इट्स माय बर्थडे। ऑर्डर करो वेज में, फिर नॉन वेज में। लाला जी की धोती में खून भरी मांग। लाला जी की धोती में दिल तो बच्चा है जी। योर टर्न। लाला जी की धोती में तेरे नाम। योर टर्न। लाला जी की धोती में आशिकी। ओह माय गॉड। लाला जी की धोती में कोई मिल गया। लाला जी की धोती में कोई मोहब्बत है। ओह शिट। लाला जी की धोती में अंगूर। लाला जी की धोती में लगान। ग्रामर देना। वेज वेज गिरता गुस्सा हो जाते हैं वो। वेज गिरना नहीं चाहिए इन पे बिल्कुल भी। A few moments later. माशे ठोकाइला। गाड़ी ऑन है ना? एसी ऑन है। What happened? स्लोप था। क्या बोला? माशे ठोकाइला। वो मक्खी मारने वाला कुछ है? मक्खी मतलब ठुक जाए खुद ही भाग जाए। माशे तो ठोकते हो आज। खूब परेशान केला। दोन दिवस। Finally we got the chips, guys. मेन तो ये जरूरी है भाई, जो मक्खियों ने इतना परेशान किया ना एक दो दिन, उनको नींबू में रख के लगाएंगे। नींबू लगा के मारना बड़ा परेशान करती है। तो जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या मक्खी बन गई है हमारे लिए। मक्खी जा। सही लग रहा है वैसे, है ना? इसे
हैं पूनम, वोट मांगने जा सकते हैं वैसे बालाजी बालाजी करते हुए? ओए ऐसे वोट मांगने जा सकते हैं बालाजी बालाजी करते हुए? नहीं मिला, नहीं मिला, इधर से आ जाओ ना, ऊपर ही बैठो। A few moments later. मैं और सुनील भाई फ्री थे, हम लोग जाके आए, लंच वंच करके आए, तो सोचा कि क्यों ना ये डैम जो वाल्दे ही डैम है, सुनील भाई को पूछूंगा, जरा लेक देख के आते हैं। ड्रोन तो भाई उड़ाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो गया है यहाँ पे, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता ड्रोन उड़ाऊं कैसे यहाँ पे, हवा इतनी तेज है और आई डोंट थिंक कि मेरी आवाज़ ऑडिबल होगी ज़्यादा, बट लेट्स सी, एक बार जाके आते हैं। मैं बड़ा मन था कल से ना कि मैं पानी के पास जाऊँ, पानी के पास जाऊँ, पर सुबह बारिश बहुत थी, दोपहर को हम लोग बाहर चले गए, तो मैं कहा अभी मौका है, दस्तूर है, तो लेट्स गो एंड थोड़ा देख के आते हैं पानी, जल क्रीड़ा करके आते हैं। सो एक फेमस थंब पॉइंट है, मतलब मैं जब बचपन में एक बार आया था तो ये प्लेटू है, सो ये आपको ये नासिक रेंज में दिखेंगे ऐसे ऐसे प्लेटूस, इवन पूरे महाराष्ट्र में लोनावला जाओ कहीं भी जाओ तो इट्स अ वेरी फेमस पॉइंट कॉल्ड थंब पॉइंट। A few moments later. तो आज हमारा खाना ऐसे बन रहा है मस्त चूल्हे में, नहीं चूल्हे में बनाता है, चूल्हे में ना चूल्हे का खाना अच्छा रहता है। पकड़ी कभी गैस पे ऊपर बनाता है ना तो इसमें बनता है। क्या क्या बन गया अभी तक? चावल दाल भाजी सब बन गया। हाँ वेरी गुड। चिकन बाकी है? अरे चिकन बाकी, चिकन के लिए तो मेहनत लगेगी थोड़ी सी। हाँ। चलो बढ़िया। हाँ अंडा इसका अच्छा है ना, तो ये प्रॉपर घर का खाना मिला आज। वाओ कोई तेल नहीं कुछ नहीं फालतू है ना। ये क्या है? ओहो हो चिकन, अच्छा दैट इज ग्रेवी वाला एंड दिस इज दाल। वाओ आज लग रहा हम खाना खा रहे हैं एक्चुअल में। नाइस फिर ये चटनी सुबह खाई थी ना हमने ब्रेकफास्ट पर, इस होटल की बहुत मांग।